नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चार अलग तरह की बनाना स्मूदीज, जो बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बनाना और ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बनाना स्लाइस करके लिया है, उसको हम लोग एक मिक्सी जार में डाल देंगे। उसी के साथ हम लोग ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं, आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, उसको भी केले के साथ ऐड कर देंगे। फिर हम लोग डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून हनी। और इसी के साथ हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। यहाँ पे मैंने इसमें शक्कर नहीं ऐड की है। और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बनाना और ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी बनकर यहाँ पे तैयार है। हम लोग इसे सर्व करेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट के थोड़े से टुकड़े। और थोड़े से केले। आइए अब हम लोग दूसरी स्मूदी बनाते हैं, जो बनने जा रही है बनाना और ऑरेंज से। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 आइस क्यूब्स। अगर आपको आइस पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 केला, जिसको मैंने स्लाइस में काट दिया है। उसी के साथ मैं ऐड करूंगी 1 ऑरेंज, जिसको मैंने छिलका निकाल के पीस में कट कर दिया है। उसी के साथ मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून दही, और साथ ही मैं डाल दूंगी मिल्क मेड, जो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। और इसी के साथ हम लोग ऐड करेंगे 1/2 कप दूध और इसकी एक फाइन स्मूदी बना लेंगे। ऑरेंज और बनाना की स्मूदी बनकर यहाँ पे तैयार है। इसे हम लोग सर्व कर लेंगे। आइए बनाते हैं हमारी अगली स्मूदी, जो बनेगी एप्पल और बनाना से। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी 2 आइस क्यूब। उसी के साथ मैं डालूंगी 1 केला, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। उसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी एप्पल को। 1 एप्पल मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हनी 2 टेबलस्पून। और अब हम डालेंगे 1/2 कप दूध। अब इसकी भी हम लोग फाइन पेस्ट बना लेंगे। एप्पल और बनाना की स्मूदी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारी अगली स्मूदी बनेगी बनाना और हर्शीज चॉकलेट सिरप से। तो आइए, इसके लिए हमें चाहिए 1 केला, जिसको मैंने स्लाइस करके लिया है, उसको डाल देते हैं। उसी के साथ हम लोग डालेंगे इसमें हर्शीज चॉकलेट सिरप 2 से 3 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है डेट सिरप 2 टेबलस्पून। और इसी के साथ इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। आइए इसे हम लोग अब फाइन पेस्ट बना लेते हैं। बनाना और हर्षी चॉकलेट सिरप की स्मूदी यहाँ पे बनकर तैयार है। आइए इसे हम लोग सर्व करते हैं। स्मूदी बनकर यहाँ पे तैयार है। चार अलग तरह की बनाना स्मूदीज यहाँ पे बनकर तैयार है। बनाना ड्राई फ्रूट्स, बनाना ऑरेंज, बनाना एप्पल और बनाना चॉकलेट सिरप। आप भी इसे जरूर बनाएं, अपने बच्चों को पिलाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें।
अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।